नर्वस तो नहीं कहूँगा, खुश बहुत कहूँगा। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि कबड्डी के प्रो कबड्डी के फर्स्ट टूर्नामेंट में हम लोग फाइनल्स तक पहुँचेंगे। ये एक ख्वाब था, आज आके पूरा होने वाला है। आज जीत होगी कबड्डी की और इसीलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्या कहूँगा मैं, बस धन्यवाद कहूँगा सब जितने हमारे दर्शक हैं, जितने कबड्डी के प्रशंसक हैं, उन्हें धन्यवाद कहूँगा। ओके जी। आसान तो कभी नहीं लगता है कि कोई गम जब हम कोई गेम खेलते हैं। ओके आसान कोई मैच नहीं होता जब हम कबड्डी खेलते हैं और सभी मैचेस खेलते हैं, तो उसमें टीम एक ऐसा टीम, सभी टीमें बराबर की टीमें हैं, सब इक्वल टीम है, लेकिन एक्चुअली हम फाइनल्स खेल रहे हैं तो थोड़ा बहुत मॉडरेशन हमारी अपोजिट टीम पर भी होता है, हमारी टीम पर भी होता है, तो इसलिए बस यही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक अच्छा कंपटीशन था और हम यही मान के खेल रहे थे कि यू मुंबई एक हमारे लिए टफ फाइटर टीम है और हम अच्छा खेलेंगे, अच्छा कम से कम गलतियां करेंगे ताकि हम मैच जीत सकें, और वही हमारे साथ हुआ। मैच आसान रहा लेकिन? नहीं, आसान कुछ भी नहीं रहा। जैसे आपने देखा कि मेरे पूरी किट गीली हुई है, तो आसान तो कुछ नहीं है, पसीना पूरा निकला है, दिमाग लड़ा है और हमारे प्लेयर्स के साथ में हमने अच्छा कंपटीशन किया है, और अनूप कुमार एक अच्छा रेडर है और ऋषंक है, शब्बीर है, उनको रोकना बहुत बड़ी बात है और हमने उनके कैचेस बनाए ताकि हम विन हो सकें, और वही हुआ। हमारे रेडर जो मनिंदर सिंह है, जसवीर सिंह है, बहुत अच्छा खेले, राजेश नरवाल आउटस्टैंडिंग, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरी टीम। जी
जी भरोसा था हमारा, क्योंकि जब हम पहला मैच हारे थे तो मैंने भगवान से यही प्रार्थना करी थी कि अगले 7 दिन बाद जब मैंने भगवान से ये कहा था कि हे भगवान हमारा मुकाबला यू मुंबई से मुंबई के अंदर ही होना चाहिए, वही हुआ, भगवान ने मेरी सुनी। क्योंकि हमने ये डिसाइड किया था कि यू मुंबई एक ऐसी टीम है जो अच्छी टेबल पे जा रही, फर्स्ट पोजीशन पे जा रही थी, जब हम मैचेस जीतने लगे तो 8 मैचेस जीतने के बाद हम फर्स्ट पोजीशन पे आ गए, यू मुंबई सेकंड पोजीशन पे थी, तो सेमीफाइनल्स भी आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे लगे हैं। तो मेरी भी यही उम्मीद थी, हमारी टीम्स के भी सभी लड़कों की ये उम्मीद थी कि हम यू मुंबई के साथ खेलें, ताकि जो हम मैच में पहला मैच जिनसे हारे थे वो सारे मैच हम जो बदला है वो ले सके। ऐसा देखिए, कोई मैं किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ ये है कि एक बहुत अच्छी बात है कि जो पहला मैच ओपनिंग मैच हुआ वही एंड का मैच हुआ, पहले मैच में मुंबई जीत गई, दूसरे में हम जीत गए, बात बराबर हो गई। देखिए इसके लिए जो हमारा जीवन बदल गया है हर एक कबड्डी प्लेयर का, नॉट मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, सभी प्लेयर्स के लिए कह रहा हूँ कि हमारा सबका लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, ये सिर्फ और सिर्फ मशाल स्पोर्ट्स और IKF हमारी इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन, स्पेशली थैंक्स फॉर मीडिया एंड स्टार स्पोर्ट्स जिन्होंने इतना अच्छा कवरेज कराया है, इतने अच्छे इंडोर स्टेडियम्स में टूर्नामेंट्स कराए। कबड्डी प्लेयर कभी भी ये नहीं सोच सकता था, इवन पब्लिक और मीडिया भी नहीं सोच सकती थी कि ऐसा रेस्पॉन्स कबड्डी को मिलेगा, ऐसा TRP कबड्डी को मिलेगा, ऐसे व्यूअर्स कबड्डी को मिलेंगे। तो इसका मतलब हम साफ दिख रहा है कि कितना अच्छा एक मसाला पैक एक एंटरटेनमेंट मिल रहा है। तो बस यही कोशिश रहेगी कि आगे भी आपको नेक्स्ट सीजन में अच्छा सा और अच्छा कबड्डी प्लेयर खेले और अच्छा एक कंपटीशन मिले आपको। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, हम 8 वेन्यू पे खेले हैं, 8 वेन्यू में से एक वेन्यू हमारा है, बाकी 7 अलग है, तो 7 में हमारे जो अगेंस्ट में ही होना है पब्लिक को, क्योंकि हम वहाँ पे खेल रहे हैं, तो जिस होम टीम के साथ खेलते हैं तो पब्लिक तो अगेंस्ट में बोलती है। लेकिन अगर प्लेयर को अगर इस तरीके का अगर गेम में अगर बोधरेशन रख के खेलेगा तो वो कभी नहीं खेल सकता। हम उसको सिर्फ पब्लिक को जब हमारे बारे में कुछ बोलता है तो उसको नज़रअंदाज करते हैं और खेल पे ध्यान रखते हैं, और यही हमने किया। हमें एवरी कबड्डी प्लेयर का एवरी स्पोर्ट्समैन पर्सन को यही आदत है कि अच्छा खेलो, बस खेल पे ध्यान दो और कहीं बाहर कोई ध्यान मत दो। मैंने ये तक नहीं देखा था कि कौन कौन सी सेलिब्रिटी आ रखी है, कौन कौन आया है, इवन ऐश्वर्या राय बच्चन आई है या फिर अभिषेक बच्चन आया, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने सिर्फ मैच में ध्यान दिया। जब मैच ख़त्म हुआ जब मुझे पता लगा कि कौन कौन आया था, नीता अंबानी आई है, तो एक ये सिर्फ एक मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ जो भी हम खेलेंगे वो मैच पे फोकस होना चाहिए, ग्राउंड में होना चाहिए, पब्लिक मीडिया किसी पे ध्यान ना दे तभी हम खेल सकते हैं। हमारा सबसे पहला टारगेट हमारे अनूप कुमार जी जो अच्छे रेडर है उनको स्टॉप करना था, हमने उनकी 2-3 कैचेस भी बनाई और उनके बोनस को रोकने में हम कामयाब रहे। इवन हमारे को एक शब्बीर बापू और ऋषंग जो हैं रेडर उनको भी कैचेस बनाई, हमारा डिफेंस अच्छा खेला, हमारे ऑफेंस से भी बहुत अच्छे रेड पॉइंट आए, टाइम पे हमने जो मैचेस चेंज किया कैचेस बनाई, 3 में कैच बनाई, 2 में कैच बनाई, तो हमने बहुत टाइम पे कैचेस बनाई और बहुत रुक के मैच खेला, पेशेंस के साथ खेला और गलतियां कम से कम करी, इसलिए हम मैच जीत गए। देखिए करत अभ्यास वाली बात है, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना परफेक्ट होंगे, तो हम एक हमारे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, कौन सी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हर एक सिचुएशन का हमें एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो वो शायद वो एक्सपीरियंस हमें एशियन गेम में काम आए। एशियन गेम की टीम अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, फेडरेशन अभी डिक्लेयर करेगी जो इंडिया कैंप फाइनल कैंप लगेगा, तो शायद आपको अच्छी खबर सुनने को मिले।
नहीं ऐसा मैंने तो कोई ऐसा इंजरी के बारे में सुना नहीं, लेकिन हाँ स्पोर्ट्स के साथ में इंजरी बहुत जुड़ी हुई रहती है। एक स्पोर्ट्समैन के लिए इंजरी एक पार्ट ऑफ लाइफ है, तो अगर थोड़ा सा अगर आप प्रिकॉशन करेंगे, खेलने में ध्यान देंगे, तो इंजरी का कोई मतलब नहीं है। और कबड्डी में कोई ऐसा नहीं है, मैंने तो अभी सुना नहीं कि कोई ज़्यादा इंजरी हुआ है किसी को। राकेश कुमार जी हैं, उनको थोड़ा सा फिंगर में एक मूड एक डिसलोकेशन होने की बात थी, वो भी बिल्कुल सही है। अभी आपने देखा होगा कि मैच खेल रहे थे। और अनूप कुमार जी हैं, जिनका गेम ऐसा है कि उनको कभी इंजरी नहीं हो सकती है। तो देखिए जितना भी हम खेल रहे हैं, सभी अपने आप को बचा के खेलते हैं और अच्छा खेलते हैं। इंजरी उसको होती है जो अनफिट होता है, और वो अनफिट कबड्डी प्लेयर अनफिट नहीं है। जीत का मंत्र तो कुछ भी नहीं दिया, बस हमेशा उनका आशीर्वाद, हमारे बड़े भाई जैसे है, उनका आशीर्वाद हमारे पे बना रहा। उनके पिताजी अमिताभ बच्चन साहब, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहा। तो कोशिश यही रहेगी कि अभिषेक बच्चन हमेशा हमेशा मोटिवेट करते हैं। आपका भी नंबर आएगा भाई साहब, पहले मैं तो सुलट लूँ एक बार। अमित तो आ जा फिर एक बार आओ। ये देखिए एक बात बता दूं, मीडिया वाले हैं, लड़ा भी देंगे आपस में। ना ऐसे कैसे लड़ेंगे?